Hi everyone, and hope you are all well and safe along with your family. So in your second chapter, जो आपका second chapter है, the plant fairy, इसके अंदर leaves के बारे में कुछ बताया गया है, पत्तियों के बारे में कुछ बताया गया है, इस पत्तियों को हम study करेंगे आज. तो एक poem है leaves पे, red, purple and even yellow, some green, wet and loose, leaves are of different kinds and of different shapes and shades. अब देखिए, इसको हम हिंदी में समझते हैं कि क्या है. देखिए, हरे हरे और गीले ढीले, मतलब हरे हरी होती हैं पत्तियां, गीली होती हैं, कभी ढीली होती हैं पत्तियां, लाल बैंगनी और कुछ पीले, रेड पर्पल एंड इवन येलो. अब है लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, तरह तरह के होते पत्ते, एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स, बड़ी तरह के होते पत्ते. सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक द टेबल, कुछ हाथी की कान के जैसे. सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स, कुछ हाथी की कान के जैसे. एंड सम आर प्लेफुल लाइक द टेबल, फटफड़ाए शैतान के जैसे. और कुछ क्या होते हैं, शैतान की तरह दिखते हैं, जैसे कुछ बड़े बड़े पत्ते होते हैं. सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से. कटे फटे होते हैं कुछ पत्ते, कुछ मुड़े हुए होते हैं, कुछ टूटे हुए होते हैं. खाएं कुछ को पान के जैसे. और आपने देखा होगा कि कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो पान के होते हैं, जिसको हम खाते भी हैं. और उसके अलावा भी कई सारी जैसे पत्तियां, जैसे आप तुलसी की पत्तियां, उनको आप खा लेते हैं, पुदीने की पत्तियां हैं, धनिए की पत्तियां, उनको हम कच्चा ही खा लेते हैं. एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू, यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टियर लाइक ड्यू, लगे कोई तितली कोई भौरा, रोएदार कोई बिल्कुल कोरा. ठीक है. सम आर लाइक बटरफ्लाई, सम आर लाइक बीज, मतलब कुछ क्या लगते हैं, तितली के जैसे लगते हैं, कुछ भौरे के जैसे लगते हैं. सम आर हेयरी एंड सम आर प्लेन, कुछ रोएदार होते हैं और कुछ बिल्कुल प्लेन होते हैं पत्ते. सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, कुछ क्या होते हैं, सूख के कांटे बन जाते हैं. सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कोई पिचक कट कटोरे जैसे बन जाते हैं. वूश वूश स्कटल एंड स्वाइडर इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, साई साई, वूश वूश मतलब साई साई, स्कटल सन सन एंड फ्लटर फड़ फड़, इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, और जब हवा चलती है तो ये सारे क्या करते हैं, मटर करते हैं, बड़बड़ करते हैं. ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, सिर्फ दिन भर क्या करते हैं, दिन भर ये खिले खिले से रहते हैं. एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और जैसे ही रात होती है, जैसे ही सूरज अस्त होता है, वैसे ही क्या होते हैं, सारे सोने लगते हैं, सारे सो जाते हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, पत्ते क्या हैं, कई टाइप के पत्ते हैं. एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड यूज, और बड़ी बड़ी तरह के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के इनके शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं. ठीक है, जैसे आपने देखें, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ बौने हैं, अलग अलग टाइप के सारे पत्ते हैं. ठीक है, तो ये सारी पोएम है, ये पोएम विजेंद्र पाल सोदिया जी ने लिखी है. तो ये सारी पोएम में आपको लीव्स के बारे में बताया कि लीव्स कैसे होती हैं, कैसी कैसी दिखती हैं. और आपने तो खुद ही बहुत सारी लीव्स देखी है, तो आप अपने आसपास भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि कितने टाइप के पत्ते होते हैं, कई टाइप के कलर्स के पत्ते होते हैं. ठीक है, तो होप कि आपके सबके समझ में आ गया होगा कि ये जो पोएम है, पोएम हमको क्यों दी गई और इसमें क्या क्या बताया गया. Thank you. Take care and stay safe.